Question number 43, according to chord 8, if 2x minus y plus 1 is equal to 0 is a tangent to the hyperbola x square upon a square minus y square upon 16 is equal to 1. तो हमें बताना है देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. बोर्ड पे देखिएगा, यदि इसे मैं बी स्क्वायर कहूं तो टेंजेंट की इक्वेशन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और इसे ध्यान से देखिए, ये y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, इसका मतलब m बराबर 2 हमें पता चल गया. यानी कि इक्वेशन हुई y बराबर 2x प्लस माइनस अंडर रूट 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर 4 माइनस 16, और इस चीज की वैल्यू 1 दी गई है. तो हम लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 1. हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया तो 4 ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 1. तो 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 17 अपॉन 4. अब ऑप्शन नंबर ए, ए 4 2. अब ध्यान से देखिए, ये होता है 4 पॉइंट समथिंग और बाकी दो साइड्स कम है, इसका मतलब ये हाइपोटेनियस हो शायद. तो 17 अपॉन 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उस तरफ दोनों इंटीजर हैं और इस तरफ इंटीजर नहीं है. तो ए नहीं है इसलिए टिक होगा. बी, बी में भी 17 अपॉन 4 हाइपोटेनियस बनेगा, बाकी दो दूसरी साइड्स बनेगी और ये भी नहीं हो सकता इसलिए टिक होगा. सी देखिए साहब, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर बराबर 17, तो 17 इज इक्वल टू 16 प्लस 1, ये हो रहा है इसलिए टिक नहीं करना है. और डी ऑप्शन, 17 इज इक्वल टू 1 मिनट. इसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होने वाली है? ए, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग, तो वो यही वाली होगी. इसलिए 17 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर नहीं नहीं टू ए will be 2a is equal to 4 point. Four a square is 17, तो 2a will be 4 point something. तो अब की बार हमें पाइथागोरस इस तरफ लिखना चाहिए, 8 square is equal to 2a का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. यानी
64 is equal to 17 plus 1 और ये भी नहीं हो रहा इसलिए टिक हो जाएगा. तो हमारे कोड डी के 8 के अनुसार आंसर हुआ ए बी डी.